हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 7.1। चलिए शुरुआत करते हैं। बेटा, आपको इस क्वेश्चन में कहा है ये जो शेड किया हुआ पार्ट है आप उसे फ्रैक्शन में बताइए। बेटा, हिंदी में कहा है ये जो छायांकित भाग है बेटा उसे भिन्न के में व्यक्त कीजिए। शुरुआत करते हैं। बेटा, सबसे पहले वाले को देखिए, कितना शेड किया हुआ पार्ट है वो गिन लो। कितना शेड किया हुआ पार्ट है? एक और एक दो है, तो ऊपर बेटा दो आएगा, ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा? टोटल पार्ट्स आएंगे। गिनिए, एक दो तीन चार, ठीक है, ये आपका आंसर बन गया। ठीक, इधर चले। क्या करना है? जितने शेड किए हुए पार्ट हैं बेटा उन्हें गिन लो। एक दो तीन चार पांच छः सात आठ, आठ बेटा शेड किए हुए पार्ट हैं, उन्हें बेटा ऊपर लेना है। एट ऊपर ले लिया, अपॉन में क्या लोगे? टोटल पार्ट्स कितने हैं? एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ, ये अपॉन में नौ लिया, आंसर बन गया। इधर चलो बेटा, इसमें शेड किए हुए पार्ट देखिए, एक दो तीन चार, तो ऊपर चार आएगा, अपॉन में बेटा क्या आएगा? टोटल पार्ट्स गिनिए, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ, अपॉन में एट आएगा। ठीक, इधर देखो बेटा, शेड किए हुए कितने पार्ट हैं? एक है, तो बेटा वन ऊपर आएगा, अपॉन में क्या आएगा? टोटल पार्ट्स, एक दो तीन चार, कितने पार्ट्स हैं बेटा? टोटल चार, तो अपॉन में फोर आएगा। ठीक है, अब बेटा इधर देखो, इसमें शेड किए हुए कितने पार्ट है गिनिए। एक दो तीन, ऊपर तीन लिख दो, अपॉन में टोटल पार्ट्स आते हैं, एक दो तीन चार पांच छः सात, अपॉन में सेवन आया, आपका आंसर आ गया। अब बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा शेड किए हुए कितने पार्ट हैं उन्हें गिनिए। कितने हैं बेटा? एक दो तीन, तो ऊपर तीन आएगा, ऊपर शेड किए हुए पार्ट आएंगे, अपॉन में बेटा टोटल पार्ट आएंगे, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, अपॉन में क्या आएगा? 12। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ बेटा शेड किए हुए कितने पार्ट हैं उन्हें आप गिनिए। एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस, दस बेटा शेड किए हुए पार्ट हैं, वह ऊपर आएंगे, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा बेटा? अपॉन में टोटल पार्ट आएंगे, वह भी बेटा कितने हैं? 10 है, तो अपॉन में 10 आ गया। ठीक, इधर चलो, ऊपर बेटा शेड किए हुए पार्ट आएंगे, कितने हैं गिनिए। एक दो तीन चार, ऊपर चार आएगा, नीचे बेटा टोटल पार्ट्स आएंगे, गिन लेते हैं, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ, टोटल पार्ट्स नौ है, अपॉन में आ गए। अब इधर ध्यान दीजिए बेटा, शेड किए हुए पार्ट्स देखिए कितने हैं। एक दो तीन चार, ऊपर चार आएगा, नीचे बेटा टोटल पार्ट्स आएंगे, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ, अपॉन में क्या आएगा बेटा? एट। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, शेड किए हुए पार्ट्स कितने हैं? यदि आप ध्यान देते हो तो बेटा ये जो आपको दे रखा है दो हिस्सों में बटा हुआ है,
तो बेटा एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, ठीक है। तो शेड किया हुआ हिस्सा कितना हुआ? 1। और बेटा टोटल हिस्से एक ये और एक ये, तो अपॉन में क्या आएगा? 2। आपका आंसर 1/2 है। आपसे क्वेश्चन में कहा कि आपको बेटा फ्रैक्शन दिया है, आपको इसके अकॉर्डिंग शेड करना है। हिंदी में बात करें, आपको बेटा भिन्न दे रखी है, आपसे कहा है इसके अनुसार आप छायांकित कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको फ्रैक्शन 1/6 दिया है, टोटल पार्ट्स कितने हैं? 6। गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। छह पार्ट्स में बेटा आपको शेड किसे करना है? 1 वाले पार्ट को करना है, ओनली 1 पार्ट को आपको शेड करना है। ऊपर जो नंबर दिया होता है उतने पार्ट बेटा शेड किए जाते हैं। ऊपर बेटा 1 नंबर दिया है, एक हिस्सा शेड हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा क्या दिया है? 1/4 फ्रैक्शन दिया है, टोटल पार्ट्स कितने? 4। 1, 2, 3, 4, 4 पार्ट्स हैं। ऊपर वाले नंबर से पता चलता है शेड बेटा हमें सिर्फ एक हिस्से को करना है। यहाँ 1 लिखा है, सिर्फ एक हिस्से को शेड कर दो, ये कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा फ्रैक्शन आपको 1/3 दिया है, टोटल हिस्से कितने बेटा? 3। 1, 2, 3। हमें शेड किसे करना है? ओनली एक पार्ट को बेटा हमें शेड करना है। ऊपर जो नंबर दे रखा है उतने पार्ट बेटा शेड करने होते हैं। 1 को बेटा एक हिस्से को शेड कर दो, ये कर दिया। अब बेटा फ्रैक्शन 3/4 दे रखा है, टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4। 1, 2, 3, 4। हमें शेड कितने पार्ट्स करना है बेटा? ओनली 3 पार्ट्स करना है, एक ये, 2 ये, 3, ठीक है। अब इधर देखो, 4/9 फ्रैक्शन दिया है, टोटल बेटा कितने पार्ट्स हैं? 9 पार्ट्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 पार्ट्स हैं। हमें शेड कितने पार्ट्स करना है? ऊपर वाला नंबर बताता है कितने पार्ट्स को शेड करोगे बेटा? 4 पार्ट को कर दो, 1, 2, 3 और ये 4। कोई भी 4 को आप शेड कर सकते हो। आपको इस क्वेश्चन में कहा है ये जो शेड किए हुए पार्ट हैं, हिस्से हैं बेटा, ये दिए हुए फ्रैक्शन को बताते हैं या नहीं, ठीक है, या कोई गलती हो रही है ये बताना है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ 1/2 दे रखा है। इस ट्राइंगल में बेटा दोनों पार्ट मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होने चाहिए, ठीक है। यदि हम ध्यान से देखें, नीचे वाला पार्ट बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, ठीक है। दोनों पार्ट यदि बराबर होते तो बेटा ये शेड किए हुए भाग को आप 1/2 फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते थे, ठीक है। फिलहाल यहाँ ऐसा नहीं है। अब बेटा इधर ध्यान दीजिए, यहाँ 1/4 फ्रैक्शन दिया है। बेटा चारों पार्ट्स इसके बराबर होने चाहिए थे, तब बेटा ये शेड किया हुआ एरिया 1/4 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये पार्ट काफी बड़ा है, फिर छोटा पार्ट, फिर छोटा, फिर बड़ा, चारों पार्ट बेटा इक्वल नहीं है, इसलिए बेटा ये शेड किया हुआ एरिया इस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। इधर चलो बेटा 3/4 दे रखा है, चारों जो पार्ट है बेटा इसके बराबर होने चाहिए थे,
लेकिन बेटा हर एक पार्ट अलग अलग है। ये काफी छोटा हिस्सा है, ये थोड़ा बड़ा, ये थोड़ा और बड़ा, ये काफी बड़ा। हर एक हिस्से बेटा अलग अलग है। चारों हिस्से यदि बराबर होते तो हम कह सकते थे कि ये शेड किया हुआ पार्ट 3/4 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फिलहाल बेटा कोई भी दिए हुए फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हर एक पार्ट बेटा दूसरे पार्ट के इक्वल नहीं है।